नरगिस फाखरी रॉकस्टार की एक्ट्रेस, बिल्कुल सही, उनके कैरेक्टर का नाम इस फिल्म में हीर कॉल था। उनका एक इंटरव्यू बहुत वायरल हो रहा है। ये इंटरव्यू उन्होंने XXX चर्च नाम के एक यूट्यूब चैनल को दिया है। उनका इंटरव्यू लिया ब्रिटनी डी ला, इसी इंटरव्यू सीरीज का एक पार्ट है। इसमें नरगिस फाखरी ने जो जवाब दिए हैं वो दो तरीके से प्रभावित करते हैं। एक कि वो जवाब बड़े बोल्ड और सच्चे हैं, दूसरी बात कि उनके पर्सनल जवाब इंटरव्यू देखने वालों के लिए भी एक सबक है। ये रही उनकी इंटरव्यू की कुछ खास बातें जो हम आपसे शेयर करने वाले हैं। जब मैं घर आकर अपने मेकअप पता है, लेकिन फिर भी मैं अपने मेकअप और उजले वाले रूप को देखकर बह जाती थी। फिर लगता था कि हे भगवान, तुम वो नहीं जो तुम मैगजीन पर दिखती हो। अब ये सब सिर्फ मॉडल्स तक ही सीमित नहीं रह गया है, सब लोग ऐसा सोशल मीडिया पर करने लगे हैं। फिल्टर वगैरह यूज करके फोटोज डालते हैं। हर कोई अपनी रियल जिंदगी में उतना खुश नहीं है जितना वो सोशल मीडिया पर दिखता है। मैं कुछ पुराने ख्यालों की लड़की हूं, मुझे लगता है कि फेम ने मेरी आत्मा मलिन कर दी है। जब मुझे पहली बार प्रसिद्धि मिली थी तो वो नेगेटिव कारणों के चलते मिली थी। हालांकि प्रसिद्धि से कई पॉजिटिव चीज़ें भी जुड़ी हैं जो अच्छी हैं और वो आपके आत्मसम्मान को बढ़ाती हैं, लेकिन मैं हमेशा इस चीज़ को पकड़े नहीं रहना चाहती थी क्योंकि फेम के साथ नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ें जुड़ी हैं और जब इसके नेगेटिव के साथ ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरी माँ ने मुझे समझाया कि मेरी हद कहाँ है, लेकिन उनके समझाने का तरीका गलत था। वो मुझे डराया करती थी आदमी, रिश्ते, सेक्स को लेकर, और ये सब चीज़ें उन्हीं से मेरे में आई और मेरे दिमाग में चिपक गई। जैसे फिर मैंने अपने दोस्तों को देखा जिन्होंने कुछ हदें पार की थी और फिर मैंने उसके परिणाम देखे। मैंने उनसे देख कर सीखा और मैं उन गलतियों को नहीं कर सकती जो मैंने किसी को करते हुए देख लिया है। राजी हो सकती थी, न्यूड नहीं हो सकती थी या डायरेक्टर के साथ नहीं सो सकती थी। मैंने कई नौकरियां खोई हैं इस चक्कर में क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें नहीं की और ये दिल तोड़ने वाली बात थी। मेरा एक स्टैंडर्ड था, मेरी एक बाउंड्री थी, लेकिन ये बुरा लगा जब मैं एक से ज़्यादा पढ़कर ना जीते मगर अपना एक रास्ता पकड़ कर जीतते हैं। बहुत से लोग अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। बहुत से लोग पैसा, पावर, प्रसिद्धि तो पा लेते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी आत्मा की जो अशुद्धियां हैं वो नहीं मिटाई होती, फिर उनके अंदर एक खाली लाकर चलते हैं। नरगिस कहती हैं कि हमारे पास हमेशा चुनने के मौके होते हैं। जैसे आपने, यानी वो इंटरव्यूअर से बात करते हुए बोल रही थी कि पॉर्न इंडस्ट्री में जाना चुना, मैंने रेस्टोरेंट में, घरों में, बार में काम कर